हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अनु की बीवी और बेटी अम्मारा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अनु की अहलिया का नाम सलमा बिनते उमैस था। उनकी बहन असमा बिनते उमैस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अनु के बड़े भाई जाफ़र बिन अबी तालिब की बीवी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बहनों के बारे में फ़रमाया, ये मोमिन बहनें हैं। दोनों बहनें इब्तदाई इस्लाम में मुसलमान हो गई थी। हज़रत असमा अपने शौहर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हबशा हिजरत कर गई थी, लेकिन हज़रत सलमा मक्का में अपने शौहर हज़रत हमज़ा के साथ रहीं। उनसे एक बेटी हज़रत अम्मारा बिनते हमज़ा पैदा हुई। जंग उहुद में जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई और मुसलमान मदीना लौटे, तो कमसिन अम्मारा अपने वालिद हज़रत हमज़ा से मिलने दौड़ती हुई आई। जो सामने आता उससे पूछती, मेरे अबू कहाँ हैं? सहाबा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की दर्दनाक शहादत को याद करके रो पड़ते, जवाब ना दे पाते। यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आ गए। अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाई जान, अबू कहाँ हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा को गोद में उठा लिया। तमाम सहाबा इस बच्ची के यतीम होने पर रोने लगे। चुनांचे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने चंद अशआर सुनाकर बच्ची को तसल्ली दी। इंसान की बनावट। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में ढाल कर हर एक उज्व को मखसूस अंदाज में फिट करके किसी न किसी खूबी का हामिल बनाया। आँखों में देखने की सलाहियत तो कानों में सुनने की कुव्वत, जहाँ हाथों में खाने पीने और पकड़ने की ताकत, वहीं पाँव में चलने की कुव्वत और दिलो दिमाग में सोचने की सलाहियत, यहाँ तक कि मैदे को ग़िज़ा हज़म करने की सलाहियत दी। यकीनन ये कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान मजीद पर ईमान लाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की ज़ात, उसके रसूल और उसकी किताब यानी कुरान पर ईमान लाओ, जिसको अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया है, और उन किताबों पर भी ईमान लाओ जो इनसे पहले नाजिल की जा चुकी हैं। फ़ायदा, कुरान करीम को अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब समझना और उसके हर्फ बहर्फ सही होने का यकीन रखना फ़र्ज़ है। सफ़र से वापसी का सुन्नत तरीक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आने के बाद पहले मस्जिद जाकर दो रकात नमाज अदा करते और लोगों से मुलाकात फरमाते, फिर उसके बाद घर तशरीफ़ ले जाते। मुसलमान की ज़रूरत पूरी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को कोई तकलीफ व परेशानी दूर करेगा तो इस अमल की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तकालीफ और परेशानियों को दूर कर देगा, और जो शख्स अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसके ऐब को छुपाएगा। किसी गुनाह पर राज़ी रहना भी गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रुए ज़मीन पर कोई गुनाह का काम किया जाए और वहाँ मौजूद लोग उसको नापसंद करते हो, तो वो लोग उस आदमी के हुक्म में है जो वहाँ पर मौजूद नहीं, और जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं लेकिन वो उस गुनाह पर खुश होते हैं, तो वो लोग उस आदमी के मानिंद है जो वहाँ पर मौजूद है, यानी उनको गुनाह होगा। दुनिया और आखिरत का मज़ा। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो फरमाया, ए लोगो, तुम दूसरों को ये बात पहुँचा देना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दुनिया की मिठास आखरत की कड़वाहट है और दुनिया की कड़वाहट आखरत की मिठास है। ख़ास बंदों के इनामात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ, जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं उनके लिए मुकर्रर शुदा रोज़ी है, यानी हर किस्म के मेवे हैं, और वो बड़े इकराम के साथ नेमत के बागों में शाही तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। उन अहले जन्नत के सामने लतीफ़ शराब के जाम पेश किए जाएंगे जिसका रंग सफ़ेद और पीने वालों के लिए नहायत लजीज होगी। ना उससे दर्द सर होगा और ना अक्ल में फतूर आएगा। घेकवार और राय के फ़वाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कड़वी चीज़ों में किस कदर शिफा है, यानी घेकवार यानी एलोवेरा और राय में। फ़ायदा, घेकवार चेहरे पर लगाने से चेहरे को निखारता है, जिल्द की खुश्की दूर करता है, सर पर लगाने से बाल उगाता है, जले और कटे हुए निशानात को दूर करता है, उसके इस्तेमाल करने से शुगर के मरीज को आफियत होती है, राय का तेल दिमाग को कुव्वत बख्शता है, मालिश करने से जिस्म में चुस्ती पैदा करता है। कुरान की नसीहत।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और शरीयत के मुताबिक फैसला करने वाले हाकिमों की भी इताअत करो। अल्लाह ताला।